हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। आगे हम पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं, कि विकास जो है वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए विकास को कुछ अवस्थाओं में बांटा जाता है, जिसमें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्गीकरण है वह है हरलॉक का। हरलॉक का वर्गीकरण, जिसमें हरलॉक ने विकास को 10 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं तो जिनको हम देखेंगे, सबसे पहले है जन्म पूर्व अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज, यानी अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, वह गर्भ में है। तो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था ये कही जाती है, जिसमें सबसे पहले देखिए डिंब, उसके बाद भ्रूण अवस्था और गर्भावस्था, यानी कि जन्म से पहले बालक जो है, बच्चा जो है, शिशु जो है, वह तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो सबसे पहली अवस्था क्या है? डिंबावस्था, यानी कि इसको हम बीजावस्था भी कहते हैं। तो 15 दिन में जो है यह बन जाता है माँ के गर्भ में। ये जो है अंडे के जैसा दिखाई देता है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में युक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युक्ता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अवस्था आती है भ्रूणावस्था। तो 14 दिन या 15 दिन से लेकर 60 दिन तक जो है ये इसका समय होता है, और इस अवस्था में अपरा के माध्यम से अपनी माता से जो भी पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त करता है भ्रूण। ठीक है, और इस अवस्था में बालक की आंख, त्वचा, मांसपेशियां, मस्तिष्क, हृदय आदि सभी का जो है वो निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंग में जो है वो बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। 2 माह तक गर्भ में ये अवस्था होती है। तीसरी है गर्भावस्था, यानी कि 9 माह तक, 9 माह तक जो है ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो शिशु का जन्म होता है, और इसका जो समय है वो 60 से देखिए 280 दिन तक का माना जाता है। और इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु के शरीर के सभी अंगों का निर्माण जो है और पोषण जो है वो हो जाता है। तो भ्रूण से जन्म तक जो है इसकी लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर की लंबाई जो है इसकी मानी जाती है हरलॉक के अनुसार, और इसका वजन जो है वो 7 पौंड हो जाता है। ठीक है, 7 पाउंड जो है वो हो जाता है। जन्म से 4 माह तक जो है इसका वजन जो है वो दुगना हो जाता है, यानी कि 7 पाउंड था और अब जो है ये कितना हो जाता है? 14 पाउंड का हो जाता है। और सामान्यतः 1 पाउंड जो है कितने इंच का होता है? 453 इंच का होता है। आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि भ्रूण से जन्म तक जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर और वजन जो है वो 7 पाउंड का होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अवस्था है वह है शैशव अवस्था, यानी कि शिशु। तो शिशु जिसे कि पठार की अवस्था या विश्राम की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इस समय बच्चा जो है वह बेड पर लेटा रहता है, चारपाई पर लेटा रहता है। ठीक है, और उसे जहां भी लेटा दिया जाता है वो वहीं पर लेटा रहता है, अपनी मर्जी से जो है वह पलट भी नहीं सकता है। तो जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है, और इस अवस्था में बाहरी जो वातावरण है इससे समायोजन करने में बालक के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, क्योंकि इससे पहले वो माँ के गर्भ में था, तो माँ के गर्भ में मां के द्वारा ही सांस लेना, ठीक है, और टेम्परेचर जो है उसका जो मां के गर्भ में है वह, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, इस दुनिया में आता है, वातावरण के साथ जब वो समायोजन करता है, तो यहां पर सांस लेना यानी कि श्वसन, चूसना, उत्सर्जन यानी मलमूत्र का त्याग करना, टेम्परेचर उसका, वजन का उसका कम हो जाना, ठीक है, शरीर का पीलापन पड़ जाना, तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसके सामने उसको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो माँ के गर्भ में था तो बाहर जो है बाहरी वातावरण में टेम्परेचर जो है उसके लिए अब अलग होगा। वेट जो है जो कि माँ के गर्भ में था तो वह जो है वो अब कम हो जाता है, शरीर जो है वो हल्का पीला पड़ जाता है। कहते भी कि जैसे बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं कि उसको जो है वो पीलिया हो गया, तो वो यही चीज है कि माँ के गर्भ में उसको अलग टेम्परेचर मिला, और जब उसने जन्म लिया तो वातावरण के साथ जैसे ही वो समायोजन करता है तो उसका शरीर जो है वह हल्का पीला
पड़ जाता है। तीसरी अवस्था है बचपन अवस्था, जो कि जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। और सबसे ज्यादा देखिए शरीर में तेज वृद्धि जो है वो इसी अवस्था में होती है। ठीक है, ये वो अवस्था होती है जहाँ बच्चे को जितना भी कहते हैं कि रट्टू तोता होता है, यानी उसको जितना भी बोलते हैं करने को वह आपकी ही भाषा में बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शरीर में भी जो है वह बहुत अधिक तेज गति से वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो स्टेज है वह है बाल्यावस्था। ये हम पढ़ रहे हैं हरलोक के अनुसार। ये जो अवस्था है ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, और इस अवस्था को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, तो यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है शरीर में तीव्र वृद्धि होती है 2 से 6 वर्ष तक। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में शरीर में जो है वो मंद वृद्धि होने लगती है 6 से 12 वर्ष। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यदि पूछा जाता है कि शरीर में जो है वो सबसे अधिक तेज वृद्धि जो है वो कब होती है, तो आपको जो है यहाँ पूछा जाएगा क्या वर्ष, तो 2 से 6 वर्ष की जो अवधि होती है, ठीक है, इसमें शरीर में जो है वो तीव्र वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए वय संधि या प्राक किशोरावस्था, तो यहाँ पर जो बच्चियां होती हैं 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक की, ठीक है, तो इस अवस्था में आएंगी। और बालक जो है जो कि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के होते हैं तो वो प्राक किशोरावस्था में आएंगे। और इस समय तक जो बालक की जो तर्क करने की शक्ति है, जिज्ञासा है, उसकी निरीक्षण शक्ति है, इसका विकास जो है वह हो जाता है। फिर देखिए प्रारंभिक किशोरावस्था, तो इसका समय बताया है हरलोक ने 13 या 14 वर्ष से 17 वर्ष तक। ठीक है, 13 या 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक, तो ये वो समय होता है जिसमें जो बालक होता है तो वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जो है वो आगे कदम रखता है। उत्तर किशोरावस्था, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इस आयु के जो बालक होते हैं तो उनकी नसों में जो है एक ज्वार उठना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं। तो 17 वर्ष से 20 वर्ष तक का जो ये समय माना जाता है, और इसमें जो शारीरिक वृद्धि है वो मंद होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था होती है, यहाँ पर शारीरिक वृद्धि जो है वो बहुत अधिक तेज गति से होती है, जहाँ पर बाल्यावस्था में वो धीमी पड़ गई थी। फिर देखें 8 तो है प्रारंभिक वयस्कावस्था अर्ली एडल्टहुड, तो इसका जो समय है वो माना जाता है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। ठीक है, 9 नंबर पर है मध्यावस्था मिडिल एज, जो कि 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने ग्रस्त जीवन में होता ही है, और कई बार हम देखते हैं कि उसके जो है वो बाल बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं, उनके विवाह के संबंध में, उनकी जो है हायर एजुकेशन के संबंध में जो है वो बहुत अधिक सोचने लगता है। ठीक है, वृद्धावस्था ओल्ड एज, तो ये 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो हरलोक ने जो है यहाँ पर विकास की जो अवस्थाएं हैं तो कितनी बताई हैं, इसे 10 भागों में बांटा है, जिसमें पहली अवस्था उन्होंने बताई जन्म पूर्व अवस्था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शैशव अवस्था जिसे पठार या विश्राम की अवस्था कहा, उसके बाद बचपन अवस्था बताई, फिर बाल्य अवस्था, उसके बाद प्राक किशोरावस्था, फिर प्रारंभिक किशोरावस्था की स्टेज बताई, उसके बाद जो है उत्तर किशोरावस्था, प्रारंभिक वयस्कावस्था, ठीक है, मध्यावस्था, और 10वें नंबर पर बताई वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष से लेकर जो है वो मृत्यु तक चलती है। तो ये हरलोक के अनुसार जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए रॉस के अनुसार जो है विकास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है शैशव अवस्था, यहाँ पर इन्होंने जो समय बताया है वो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का बताया है। ठीक है, कि 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशव अवस्था में आती है, और जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो समय बताया जाता है वो यही बताया जाता है, क्योंकि ये जो है जीवन की आधारशिला का काल भी कहा जाता है। ठीक है, और इस समय के बारे में जो है रॉस का क्या कहना है, रॉस जो है ये कहते हैं कि जो शिशु है वो कल्पनाओं का नायक या कल्पनाओं का शक्ति पुंज होता है, यानी कि उसके सामने यदि एक डॉल
पड़ी होती है तो उसमें भी सजीवता ढूंढता है, ठीक है। और यदि उसको जो है इतने अच्छे तरीके से उसको प्यार करेगा उस डॉल को, ठीक है, उसको इतने अच्छे तरीके से खाना खिलाएगा जैसे वो खुद खाता हो, तो वो जो है कल्पनाओं का नायक होता है और कल्पनाओं का शक्तिपुंज होता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष की जो अवस्था है, तो यह पूर्व बाल्यावस्था किसने बताई है? रॉस ने। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था, जहां पर जो बच्चा होता है वो स्कूल जाने लगता है, ठीक है, और जीवन का सबसे अनोखा जो समय है वो यही माना जाता है। ये जो है स्कूल एज इसको कहा जाता है। इसमें जो बच्चा जो है वह समूह में खेलता है, ठीक है, समूह में जो है वह खेलना स्टार्ट कर देता है, और कभी जो है वो समूह बना लेता है, कभी वो समूह से जो है वो अलग हो भी जाता है, और अगले ही दिन फिर से उस समूह में जाकर वो खेलने लग जाता है। और कहते हैं कि जो मॉरल एजुकेशन जो दी जाती है बच्चों को, तो कहानियों के माध्यम से जो है इस एज में दी जाती है। कहानियों के माध्यम से हम जो है उनको बताते हैं, जो भी नैतिकता की जो गुण है वो उनके अंदर डाले जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था है उसको रॉस ने क्या बताया है? किशोरावस्था बताया है। तो यहाँ पर रॉस ने जो है वो केवल 4 जो है अवस्थाएं ही बताई हैं विकास की। अगला देखिए, कॉल का वर्गीकरण। तो कॉल ने जो विभाजन किया तो वहां इन्होंने विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको 12 भागों में बांटा, ठीक है। सबसे पहली जो है वो शैशव अवस्था, जिसमें जन्म से 2 वर्ष तक का इन्होंने समय बताया। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से 5 वर्ष तक का बताया, जहां पर हमने जो है देखा था हरलोक का, तो उन्होंने क्या बताया था? 2 से 6 वर्ष तक का जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय बताया था, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था का जो है कॉल ने बालक की उम्र 6 से 12 वर्ष तक की और बालिका की 6 से 10 वर्ष तक की बताई। वही पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं, तो जिसमें बालक जो है वो 13 से 14 वर्ष तक की होती है ये अवस्था, और बालिका की जो होती है 11 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था की। तो यहाँ पर जो है वर्ष जो है वो लगभग समान ही है, थोड़ा आगे पीछे ही इन लोगों ने किया है, लेकिन आप जो है ये याद रखेंगे कि किसने जो है इन अवस्थाओं का विभाजन कितने भागों में किया है। 5th नंबर पर है प्रारंभिक किशोरावस्था, जिसमें बालक जो है वो 15 से 16 वर्ष तक और बालिका जो है 12 से 14 वर्ष तक की होती है। मध्य किशोरावस्था में बालक 17 से 18 वर्ष और बालिका जो है वो 15 से 17 वर्ष तक की इस अवस्था में होती है, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था कौन सी अवस्था है? जिसमें बालक की आयु 19 से 20 वर्ष या बालिका की जो है 18 से 20 वर्ष तक की होती है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था यानी कि जो है उसकी यदि जॉब लगनी है जॉब लग जाती है, ठीक है, या उच्च जो हायर जो एजुकेशन है वो ले रहा होता है, उसके बाद उसके शादी विवाह जो है वो यहाँ हो जाते हैं। तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो कही जाती है 21 से 34 वर्ष की, किसके अनुसार? कॉल के अनुसार। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष तक, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष तक का। फिर देखिए 11वें नंबर पर जो आएगी वो आएगी प्रारंभिक वृद्धावस्था, ठीक है, जो कि 65 से 74 वर्ष तक की मानी जाती है, ठीक है। 12वें नंबर पर है वृद्धावस्था, जो कि 75 से मृत्यु तक रहती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो कि यहाँ नोट्स में मैं यहाँ पर प्रोवाइड आपको करवा दूंगी, 12वीं जो है वह है वृद्धावस्था। इससे पहले प्रारंभिक वृद्धावस्था जो विभाजन इन्होंने किया, प्रारंभिक वृद्धावस्था वो 11 नंबर पर है और वृद्धावस्था जो है वो 12 नंबर पर है, ठीक है, 75 वर्ष से जो कि जीवन पर्यंत तक रखी गई है। नेक्स्ट विभाजन जोन्स का है, तो रॉस ने भी 4 भागों में बांटा विकास को, जोन्स ने भी 4 भागों में बांटा, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहली अवस्था जो कि रॉस ने भी रखी थी शैशव अवस्था, जिसमें उन्होंने 1 से 3 वर्ष तक की उम्र बताई, यहाँ जॉन्स ने जो है जन्म से 6 वर्ष तक का समय बताया शैशव अवस्था को। वहीं पर सेकंड जो पूर्व बाल्यावस्था रॉस ने बताई थी, इन्होंने बाल्यावस्था बताई है, ठीक है, उन्होंने 3 से 6 वर्ष की बताई थी, इन्होंने 6 से 12 वर्ष की बताई। तीसरी है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक
ठीक है। उसके बाद चौथी जो है वो प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक, यानी कि यहाँ पर जो पूर्व बाल्यावस्था है इसको रॉस ने जो है पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष बताई थी उसको इन्होंने शैशवावस्था में ही इंक्लूड कर दिया। तो रॉस के अनुसार शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। वहीं जॉन्स के अनुसार शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है, विकास की ये 4 अवस्थाएं होती हैं। फिर देखें कॉल सैनिक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर विकास की अवस्थाएं जो हैं, जो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आप लोग पढ़ रहे हैं, तो याद रखें कि किसने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। कॉल सैनिक ने सबसे पहले बताई है जन्म पूर्व अवस्था, यानी अभी जन्म नहीं हुआ है, बच्चा जो है वो गर्भ में है, ठीक है, तो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है। शैशव अवस्था जन्म से लेकर 3-4 सप्ताह तक की ये कही जाती है। आरंभिक शैशव अवस्था जो कि 1 माह से लेकर 15 माह तक की मानी जाती है। वहीं उत्तर शैशव अवस्था जो है वो 15 माह से 30 माह तक की होती है, ठीक है। तो इन्होंने देखिए जो शैशव अवस्था है उसको इन्होंने जो है 4 उसके भाग अलग कर दिए हैं। फिर देखिए पूर्व बाल्यावस्था जहां पर 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक का समय इन्होंने बताया। मध्य बाल्यावस्था 5 वर्ष से 9 वर्ष तक का समय बताया। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक का बताया। तो बाल्यावस्था को भी इन्होंने जो है वो 3 भागों में कर दिया। फिर किशोरावस्था 8 नंबर पर 12 वर्ष से 15 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था 15 वर्ष से 21 वर्ष तक। तो यहाँ किशोरावस्था जो है इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। तो ऐसे जो है वो आप लोग भी याद रखें, ठीक है, कि कॉल सैनिक ने जो है जो शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर जो उसकी 30 माह तक की है अवस्था उसको इन्होंने 4 भागों में बांटा। तो इसके जो है जन्म पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, आरंभिक शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था को भी इन्होंने 3 भागों में ही बांट दिया, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। फिर 8 नंबर पर है किशोरावस्था और 9 नंबर पर है उत्तर किशोरावस्था। तो कॉल सैनिक ने विकास की जो है वो 9 अवस्थाएं बताई, ठीक है। तो इन अवस्थाओं को जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखें, और किसने कितने भागों में बांटा ये आप याद रखेंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, तो वो आपका होगा शारीरिक विकास से संबंधित, ठीक है, कि शारीरिक विकास जो है बालक का इन सभी अवस्थाओं में किस प्रकार से होता है। और इसके बाद हम जो है वो सामाजिक विकास की बात करेंगे, फिर हम संवेगात्मक विकास की बात करेंगे। तो तब तक जो है वो आप लोग इनको पढ़िएगा। थैंक यू।